Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hey everybody, this is Rahul and I'm here with a new video. So guys, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि person होता क्या है. Guys, person ये एक grammatical form है. Person हमारे तीन तरह के होते हैं. एक होता है first person, एक होता है second person और last है third person. So guys, first person का मतलब होता है उत्तम पुरुष और second person का मतलब मध्यम पुरुष और third person का मतलब होता है अन्य पुरुष. आई थिंक आपको ये प्रथम मध्यम अन्य समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको बताता हूँ. ये जो फर्स्ट पर्सन होता है उत्तम पुरुष, ये होता है बोलने वाला, जो बोलता है. बोलने वाला, जैसे कि मैं बोल रहा हूं, या फिर अगर मैं या दो तीन लोग होते हम, तो मैं हम बोलता. तो यहाँ पर जो बोलने वाला होगा वो फर्स्ट पर्सन होगा. जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं. एंड सेकेंड पर्सन सुनने वाला. जो सुनता है मतलब यू, आप मुझे सुन रहे हो, इसका मतलब हुआ आप सेकंड पर्सन हो. तो क्या जो सुनता हो, सुन रहा होता है आपको, वो होता है सेकंड पर्सन. एंड थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में बात की जाए. यस, जिसके बारे में बात की जाए. गाइस, ये होता है थर्ड पर्सन. तो गाइस, होपफुली आपको मैंने बता दिया है और आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होता क्या है. बट इनको एग्जैक्टली यूज कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे. आई और वी, ये होता है फर्स्ट पर्सन. यू, ये होता है सेकंड पर्सन. He, she, it, they, ये होते हैं हमारे थर्ड पर्सन. तो बस ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज होती है हमारे फर्स्ट पर्सन, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड पर्सन. बट इसके अंदर एक और चीज आपको जाननी पड़ेगी. आई के कुछ फॉर्म्स होते हैं जो अपने आप में निकलते हैं. जैसे आई का मतलब तो होता है मैं, हमें पता ही है ये चीज. बट आई से क्या बनकर निकलता है, मेरा, मुझे, या फिर मैं खुद. ये सब फॉर्म्स होते हैं कुछ आई के, वो बनके निकलते हैं इसमें से. जैसे कि मी, माई, माइन, माइसेल्फ. तो ये सब भी हमारे फर्स्ट पर्सन के अंदर ही जाते हैं. इसी तरीके से वी का भी बनता है. वी का मतलब हम होता है. वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, पोसेसिव होता है अवर. एक और पॉजिटिव होता है वो अवर्स हो जाता है. मैं आपको ये पॉजिटिव वाली क्लास कभी ढंग से बताऊंगा कि एग्जैक्टली प्रोनाउन पॉजिटिव और एडजेक्टिव पॉजिटिव करने कैसे हैं. सो अगला होता है अवरसेल्फ. सो गाइस, ये थे हमारे वी से बने हुए पार्ट, जो कि अस, अवर, अवर्स, अवरसेल्फ. ये भी हमारा फर्स्ट पर्सन ही होता है. अब हम बात करेंगे सेकंड पर्सन की. सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन मतलब यू. यू मींस तुम, या फिर आप, हम कुछ भी कह सकते हैं. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. एंड यू के भी कुछ फॉर्म होते हैं. यू का फॉर्म होता है योर, योर्स एंड योरसेल्फ. ये सब होते हैं हमारे सेकंड पर्सन. एंड अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की. थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन, जैसे ही का मतलब होता है वह है, शी का मतलब भी होता है वह है. बट आपको ये चीज पता होगी, ही यूज किया जाता है मेल के लिए, मतलब किसी लड़के के लिए, और शी यूज किया जाता है लड़की के लिए, इट मींस फीमेल के लिए. एफ मतलब फीमेल और एम डिनोट कर रहा है यहाँ पर मेल. तो गाइस, आपको ये चीज ध्यान रखनी है. इट का मतलब होता है यह, दे का मतलब होता है वी. तो ये मैंने आपको इसके मतलब बता दिए हैं. बस अब आपको ध्यान रखना है कि ही के कुछ फॉर्म्स होते हैं वो क्या है. ही का फॉर्म हो गया जैसे कि ही इज, हिम, या फिर हिमसेल्फ. तो ये सब हैंगे, क्या नाम है, ई के पार्ट. तो इसका मतलब ये भी थर्ड प्लस पर्सन हुआ. उसी तरीके से शी के भी कुछ होंगे. शी के होंगे हर, हर्स एंड हरसेल्फ, लाइक दिस. सो ये सब है हमारे शी के कुछ फॉर्म्स. तो ये भी थर्ड पर्सन हुए. इस तरीके से इट के भी होंगे. इट का होता है इट्स, या फिर इटसेल्फ,
ये भी इसके थर्ड पर्सन में जाएगा। और अब बात करते हैं दे की। दे का मतलब होता है वे, दे का पॉजिटिव हो गया डियर। और इसके कुछ काफी पार्ट्स होते हैं जो कि मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिकॉज ये सब मैं किसी नेक्स्ट क्लास में ढंग से बताऊंगा कि ये पॉजिटिव कहाँ यूज करोगे और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ यूज करोगे, ये सब चीजें। देन themselves, तो ये सब होते हैं हमारे थर्ड पर्सन। तो गाइस अब आपको एक चीज और बता दूं, ये थर्ड पर्सन होते हैं इसके अंदर हमारी अदर थिंग्स भी आती हैं, जैसे भी किसी चीज का नाम हो गया, कोई भी थिंग्स हो गई, कोई भी एनिमल हो गया, किसी का भी नाम हो गया। तो गाइस ये आपको ध्यान रखना है, मैं आपको यहाँ अलग से बताऊंगा, ये नेम, थिंग्स, एनिमल्स एंड अदर थिंग्स। अदर्स मतलब अदर्स में कुछ भी चीज आ जाएगा। तो गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये सब चीजें जो होती हैं इन सब के अलावा, टॉकिंग अबाउट ये दे से लेके यहाँ तक कि इन सब चीजों के अलावा जो चीजें हैं वो हमारी थर्ड पर्सन के अंदर आती हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो गाइस ये मैंने आपको बता दिया। एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू हियर, ये यहाँ पे मैंने योर सेल्फ कर रखा है। ये योर सेल्फ किस लिए कर रखा है, क्योंकि जब हम यहाँ पे सिंगुलर की बात करेंगे तो हम योर सेल्फ बोलते हैं, बट जब हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे होते हैं तो हम इसको योर सेल्फ कहते हैं। अब ये है क्या, योर सेल्फ ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका मतलब होता है जैसे मैं खुद, या फिर तुम खुद, तो योर सेल्फ हो गया, मैं खुद तो माई सेल्फ हो जाएगा। इसका यूज भी मैं आपको कभी ढंग से बताऊंगा, फिलहाल तो मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एग्जैक्टली होते क्या है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। एंड आई डोंट थिंक सो कुछ रह रहा है यहाँ बताने के लिए, बिकॉज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अंदर यही चीज आती है। एंड गाइज आपने अगर इसे समझ लिया है तो प्लीज कमेंट में बताइए इफ यू लाइक इट, एंड इफ यू डोंट लाइक इट देन ऑल्सो गिव्स योर थम्स अप, आई मीन थम्स डाउन, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ। एंड गाइज अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ गुड टाइम।